जय हिंद एवरीवन। 1999 का कारगिल वॉर तो 12 पाकिस्तानी शेल्स इसी जगह पे गिरे। लाल सिंह चड्ढा की टीम, शेर शाह की टीम। लास्ट व्लॉग में हम लेह से गुरुद्वारा पत्थर साहिब और मून लैंड होते हुए कारगिल की तरफ निकले। आज मून लैंड से आगे इस हाईवे पर बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें आप आराम से कुछ समय देकर रुक कर विजिट कर सकते हैं। लेह मनाली हाईवे बहुत ज्यादा ऊंची जगहों से होकर गुजरता है, इसलिए वहाँ की वैली, रोड्स और पूरा ट्रिप बहुत एडवेंचरस हो जाता है। वहीं लेह कारगिल वाला रास्ता उनके लिए है जो मनाली लेह रोड का एडवेंचर नहीं करना चाहते और सिनेमैटिक व्यूज देखते हुए लेह आना चाहते हैं। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किधर से लेह आएंगे। लेकिन इस रास्ते पर वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स जोजिला भी है, जो कि हम आगे के व्लॉग्स में देखेंगे। पहाड़ों पर शाम भी कितनी खूबसूरत ढलती है ना, सो कामिंग। कुछ ही देर में मैं लेह श्रीनगर हाईवे के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। यहाँ का ये हाईएस्ट, ये देखिए यहाँ का ये हाईएस्ट है। दो डॉग्स आ गए हैं कारगिल लेह का। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ठंडी है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट एंटर कर चुके हूँ। यहाँ तक का रोड तो काफ़ी मतलब ऑलवेज NH1 है। हमारे सोल्जर्स के लिए ही बना है ये रोड। बहुत ही वेल मेंटेन्ड होता है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश, ताकि कभी भी कोई भी हरकत हो तो हमारे जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो आराम से मतलब फटाक से पहुँच सके, जल्दी पहुँच सके। तो ये रोड काफ़ी अच्छा है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है मनाली वाले रोड में, वो इधर से भी लद्दाख आ सकते हैं। ये भी काफ़ी सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर रोड्स हैं। ये कभी टूटते भी नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। दिस रोड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आर कंट्री, फॉर आर इंडियन आर्मी, दैट्स वाई। सो बस ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट तो एंटर कर चुके हैं, बट जहाँ जाना है, जो मेन जगह है, वो यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर्स 70 किलोमीटर्स। साढ़े छः बज रहे हैं और पूरा अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ही है और सोचा कि थोड़ा सा चाय वगैरह, मैगी वगैरह खा लेते हैं। अभी अराउंड 60 किलोमीटर्स तो है ही जहाँ जाना है। मैगी बना रहे हो तो मैगी खाकर फिर निकलेंगे। चाय, मैगी। इस खूबसूरत जगह को आप रात होने की वजह से देख नहीं पा रहे, इसलिए मैं सेम प्लेस का दिन का वीडियो अपने लास्ट ट्रिप से डाल रही हूँ। सी हाउ ब्यूटीफुल कारगिल इज। ये कारगिल है, जस्ट वाव। कारगिल एंड हमारे फ्रेंड का एक होटल है द कारगिल।
काफी फेमस होटल है, सब लोग जानते हैं। जितने भी शूटिंग्स होती हैं कारगिल में, उसमें जितने भी कास्ट मेंबर्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी लाल सिंह चड्ढा, अब कारगिल के जो भी शूट्स देखते हो, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, एवरीवन स्टेज हियर। इट्स अ बिग नेम द कारगिल एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई जस्ट मेट हिम, यू नो, आई विल गो टू माय रूम एंड आई विल जस्ट हैव सम डिनर एंड उसके बाद फिर मैं आराम करती हूँ आज, एंड देन कल आपको दिखाती हूँ होटल द कारगिल। सैनिटरी बैग, शू मिट, वैनिटी किट, शावर कैप, शेविंग किट, डेंटल किट, अ कोम्ब, बेदिंग बार, एंड दीज आर शावर जेल, शैम्पू, कंडीशनर एंड अ बॉडी लोशन। सो यू गेट ऑल ऑफ दिस हियर। Everything is in here. Came here to have some dinner. डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, अब सोने के लिए आ गई हूँ। सुबह से इधर उधर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो सोने के लिए आ गई हूँ, लेकिन पता नहीं अभी डिनर विनर करके काफ़ी फ्रेश लग रहा है, लाइक आई कैन गो ऑन, बट सोना ज़रूरी है। और चलो लेट्स सी, कल का बताते हैं कल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल, वेरी नाइस व्यू in the back. I am in hotel the Kargil and I am now going to have some breakfast. Jai Hind everyone. So why am I talking about hotel the Kargil? Is it because all the celebrities stay here? Yes. Is it because the atmosphere here or the view from here is great? Maybe. Is it because of the hospitality? I am talking about Hotel the Kargil because of the history of this very place. 1999 ka Kargil war to aap sabko yaad hi hoga. Yahan se jo border hai bas bahut hi kam duri par hai, bas yahin par hai. To ये वही जगह है जहाँ पर 10 to 12 पाकिस्तानी शेल्स इसी जगह पर गिरे थे और एक जो एरिया है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। सारे शेल्स जो हैं वो फट गए, लेकिन उनमें से एक शेल बचा रह गया, वो देखिए ये है। इसी होटल में 10 से 12 पाकिस्तानी शेल्स गिरे थे। ये शेल कारगिल वॉर की निशानी है। जब ये शेल्स फटे थे तो यहाँ पे बंकर्स बनाए गए। परिवार ने इसी बंकर में छिपकर कारगिल वॉर वाले दिन काटे। क्या हिस्ट्री है इस होटल की। और मैक्सिमम लोगों को इस जगह से माइग्रेट करा दिया गया था, वो पीछे की तरफ चले गए थे बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द सिटीजंस। कारगिल वॉर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रहते हुए लोगों ने, जो यहाँ पे रह रहे थे, उन लोगों ने हमारी इंडियन आर्मी की कितनी मदद की है, यहाँ से ऊपर चीज़ें पहुँचाना या फिर जो भी हो सकता था, खाना पीना ये सारी चीज़ें देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। ये भी कारगिल के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े थे, इंडियन आर्मी के साथ खड़े थे उस युद्ध में। जो लॉस हुआ है, जो अपने आर्मी का लॉस हुआ है, जो इन लोगों का लॉस हुआ है, इस पूरे एरिया का लॉस हुआ है,
it's not explainable. So this place has a history. And why should you stay here? यहाँ की hospitality बहुत ही अच्छी है. Everything is A grade. Everything is first class. आप अगर यहाँ की toiletries देखें, यहाँ के rooms देखें, everything is very neat and perfect. Gives you a feel of 5-star hotel. The staff members here are very, very, very nice. They'll help you at any hour in the night. आपके साथ हमेशा रहेंगे. The view from here is perfect. आपको पता है, maximum जो films की shooting जो Kargil में होती हैं, उनकी जो celebrities होते हैं, जो actors होते हैं, वो यहीं पे ठहरते हैं. लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो लाल सिंह चड्ढा की टीम यहीं पे थी, शेर शाह की टीम भी यहीं पे ठहरी थी. जो एक्टर्स हैं वो सारे यहीं पे ठहरते हैं. बिकॉज ऑफ द परफेक्शन ऑफ द रूम्स, द परफेक्शन ऑफ द प्लेस, द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पीपल. जितने भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, जैसे कि कार्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, दिस इज द प्लेस. एंड इट हैज सो मच ऑफ वेरिएशन. यू कैन सिट इन द गार्डन एंड ईट. दिस इज The best hotel in Kargil. Hotel the Kargil is a great place to stay. Jai Hind. The bat autographed by Sachin Tendulkar sir and this one over here by Roger Federer sir. इस होटल की फील ही अलग है. कारगिल की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वैलीज है सुरु वैली. लेट मी शो यू अ बिट ऑफ इट फ्रॉम माई लास्ट ट्रिप. बहाव काफी ज्यादा है, बहुत ही सुंदर नजारा. विजिटिंग अदर पार्ट्स ऑफ लद्दाख यू मे नॉट हैव हर्ड अबाउट सुरु वैली, बट व्हेनेवर यू आर कमिंग टू कारगिल डू विजिट सुरु वैली. This view looked like a portrait, unreal, an animated movie. Next time जब यहाँ आऊंगी तो सुरु वैली का डिटेल वीडियो बना दूंगी. Till then, आप लोग लास्ट ट्रिप का डिटेल वीडियो मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी. See you in the next vlog.